लोग, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ मॉर्निंग में छोले भटूरे और आपको दिखाती हूँ अपने छोले भटूरे की रेसिपी। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। और आप लोग मेरे चैनल में जो भी नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। थैंक यू। सो गाइज, मैंने छोले के लिए प्याज काट के उसमें डाल दिया है, अभी ये भून रहा है। देखिए, तो जब तक ये भूनता है मैं मैदा गूंथ लेती हूँ आटा भटूरे के लिए। साथ साथ में पक भी रहा है। ये देखिए ब्राउन हो चुका है, गार्लिक का पेस्ट। तो इसको भूनने के लिए छोड़ देते हैं। सो गाइस, जब तक ये पकता है इसमें मैंने डाल दिए मसाले। मसाले डाल दिए मैंने भिगो के, उसके बाद हम जब ये अच्छे से भून जाएगा तो मैं मसाले डालूंगी। तो दोस्तों, मसाला अच्छे से पक चुका है और देखिए मैंने छोले डाल दिए हैं क्योंकि मैंने इनको पहले से बॉईल करके रखे थे। तो ये अब बस थोड़ा सा मसालों के साथ मिलना बाकी है इनका, फिर बाकी ऑलमोस्ट रेडी है। सो गाइस, मैंने यहाँ पे धनिया ऐड कर दिया है और ये अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हैं। थोड़ी देर और रखें फिर मैं इसको निकाल लूँगी। अब बनी रहेगा मेरे ब्लॉग के साथ। और अगर आप नहीं हैं मेरे ब्लॉग में तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइस, छोले पक्के रेडी हैं और ये खाने को एकदम रेडी हैं। तो बताइए कैसे लगे आपको मेरे छोले। और देखिए ये मेरा आटा गूंथ चुका है और अब मैं पकाऊंगी भटूरे। तो ये रहे मेरे भटूरे, फूल गए हैं। सो गाइस, छोले भटूरे बनके रेडी हैं। और बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।